9 मई को पुतिन क्या करने वाले हैं, यह सोच सोच कर पश्चिमी देशों की सांसें अटके हुए हैं। टीवी चैनल्स पर यह चर्चा है कि रूस की नई वाली यह सरमत मिसाइल 106 सेकंड में बर्लिन, 200 सेकंड में पेरिस और 202 सेकंड में लंदन को शमशान में तब्दील कर देगी। रूस के राइट विंग पार्टी के एक लीडर ने बेहद गंभीरता के साथ ब्रिटेन को धमकी दी है। ये पुतिन के कट्टर समर्थक, नाम है एलेक्सी झुराबले। ब्रिटेन के रुख से ये इतने खफा हैं कि रशियन टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक के सेकंड स्किनर, रूस सचमुच न्यूक्लियर अटैक कर देगा ऐसा कोई नहीं मानता, लेकिन तैयारी तो ऐसी दिखाई जा रही है कि कलिनिनग्राद से अगर सरमत मिसाइल लॉन्च होती है तो वो सिर्फ 106 सेकंड में बर्लिन पहुंच जाएगी। पेरिस तक का टारगेट तय करने में उसे सिर्फ 200 सेकंड लगेंगे और 202 सेकंड में रूस की सरमत लंदन पर अटैक कर सकती है। शो के होस्ट ने टोका कि ब्रिटेन के पास भी एटम बम है, ऐसे में तो कोई बचेगा ही नहीं, तो रूसी सेना ने फिर धमकी। Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы приезжаете, вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Ага, куда? Да, да все, здравствуйте, пролетело. Ну-ка, а так надо? Ну, пускай думает. Секундомер ему дать, на, 200 секунд отсчитать. Ну, да, вот так надо с ними. По-другому никак. वैसे पुतिन समर्थक नेता भले सरमत को कलिनिनग्राद से लॉन्च करने की धमकी दे रहे हों, लेकिन अभी इसकी तैनाती वहां है नहीं। सबसे पहले सरमत मॉस्को से करीब 3000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में तैनात की जाने वाली है। फिर भी पुतिन की ओर से दी गई धमकियां और रूस में चल रही ऐसी न्यूक्लियर हमलों की चर्चा से पश्चिमी देश अलर्ट पर। A nation the size of Russia with a nuclear arsenal that their size and capability and a leader that's clearly as belligerent as Vladimir Putin, we have to take seriously the escalatory rhetoric that he and his leaders have been using lately. It would be as irresponsible as it is for him to use that rhetoric, it would be equally irresponsible for us not to take it seriously. And so we do. वैसे रूस में जिस सरमत मिसाइल के नाम से न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी जा रही है, पुतिन की सेना ने उसे इसी पतझड़ तक डिप्लॉय करने का टारगेट रखा है। और अब ब्रिटेन के डिफेंस सेक्रेटरी आशंका जता रहे हैं कि 9 मई को पुतिन खुले युद्ध का ऐलान कर सकते हैं और इस सूरत में रूस के दुश्मन देशों के बीच सरमत का खौफ लाजमी है, क्योंकि सरमत मिसाइल एक बार में अपने साथ 10 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, यानी एक बार में 15 टारगेट पर हमला कर सकती है। रूस के इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल से दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। ये मिसाइल 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। सरमत मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है इसका डिजाइन, जो आधुनिक से आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। 20 अप्रैल को ही रूस की सेना ने इसका सफल ट्रायल किया था और अब इसी सरमत का दम दिखाकर रूस के नेता लंदन, पेरिस और बर्लिन को बर्बाद करने की धमकियां दे रहे हैं। आज तक।